अपने हम मैंने अपना वोट इस हिसाब से डाला कि यहाँ की तरक्की हो, यहाँ की गरीब जनता का इजाला हो और डेवलपमेंट के लिए वोट डाला। अस्सलाम वालेकुम आदाब, पुकार न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी हलका भागवा और इंतखाबी हलका कास्तीगढ़ में DPEO डोडा डॉक्टर सागर की निगरानी में सख्त हिफाजती इंतजाम के चलते चुनाव को नतीजा अक्स किया गया। मजकूरा बाला इंतखाबी हलकों में कुल मिलाकर 98 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में आज दूसरे मरहले में 64.8% पोलिंग अमल में लाई गई। इतलात के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन में आज सुबह 7 बजे से पोलिंग का आगाज किया गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक DDC इंतखाबी हलका भागवा में 63.12% पोलिंग, जिसमें कुल मिलाकर 11,029 वोट दर्ज किए गए, जबकि इंतखाबी हलका कास्तीगढ़ में 66.46% पोलिंग, जिसमें कुल मिलाकर 11,666 वोट दर्ज किए गए। इस मौके पर DPEO डोडा डॉक्टर सागर ने SSP डोडा मुमताज अहमद के हमरा मुख्तलिफ दूर दराज पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। पुकार न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद तफसील जानने के लिए हमारे नुमाइंदे यासिर अहमद की ये रिपोर्ट। मौके पर सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। पोलिंग स्टेशन भैंगरा से आज जो ये चुनाव DDC हो रहा है, इस चुनाव में जो सबसे पहले भाईचारा कायम, हिंदू मुस्लिम सिख एहतियात हमारा जो नारा है, हमारी पार्टी का नारा है, इस नारे से हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमने बड़े पुरअमन तरीके से वोट डाला। मैं आस्था सब आपको बताता चलूँ कि ये पोलिंग स्टेशन हमेशा से अमन का गवारा रहा है। इस पोलिंग स्टेशन के अंदर ना कोई फितन और फसाद होता है, न इस पोलिंग स्टेशन के अंदर हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई का कोई भेदभाव है। इसके साथ मैं बताता चलूँ, यहाँ जो पोलिंग अमला है, इनका भी मैं तहे दिली से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर पोलिंग अमले ने बहुत ही तहमील से अमल से काम किया है, तो मैं इनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। चार से ब्योली में बागवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ। हमने इस बार वोट जो डाला है वो कुछ मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस आज वो कास्ट जो है वोट किया है। जो मुद्दे हैं आप देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात अगर करेंगे हम, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 16.2% इंक्रीज़ कर रहा है एवरी ईयर। आप देखिए, युवा जो है एजुकेटेड युवा, PhD करके हैं यहाँ पर, MPhil करके हैं, नेट सेट क्वालिफाई करके हैं, लेकिन जॉबलेस हैं बिल्कुल, और फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत बच्चे जो हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। तो हमने इस बार जो है इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के वोट किया है। आप यहाँ पर देखिए, जो आर्टिकल 370 को प्रीवोक ये ख़त्म किया गया है, यहाँ पर लैंड जो है, जो लैंड बिल यहाँ पर लाया गया है, आप देखिए रोशनी एक्ट को यहाँ पर ख़त्म किया गया है। ये तमाम चीज़ें हमसे जो है हमारी नौकरियाँ छीनी जा रही है, हमें हमारी ज़मीनों को छीना जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को हम मद्देनज़र रख के आज जो है यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में आए हुए हैं तमाम युवा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ जो है जमा हुई है इस वक्त। तो आप देखिए कि यहाँ पीछे एक SSP ने एक बड़ा जो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए SSP ने एक कंडक्ट कराया था, PAA का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। आप वहाँ पर देखिए 1,62,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और वहाँ यहाँ पर र्यूमर्स जो चल रही हैं जम्मू कश्मीर में कि बच्चों से जो है पैसे लिए गए, बच्चों से 8 लाख पैसा लिया गया, करप्शन जो है हाई रेट पे चल रहा है, सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर अभी चल रहा है करप्शन में बिहार के बाद। तो इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमने कुछ चेंजेस जो है लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर चेंजेस कैसे आएंगी, चेंजेस जो आएंगी वो आप अपना मौकिफ जो है वो चेंज करें। थैंक यू।